तो सोलो बियर रैंक पुशिंग के एपिसोड 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। बाकी एपिसोड 1 में आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से मैंने अपने प्लेटिनम वाले रैंक को हीरोइक 1 स्टार पे कन्वर्ट किया। अभी जिन लोगों ने एपिसोड 1 चेकआउट नहीं किया था, आप लोग चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। बाकी बात करें अगर आज के एपिसोड की, सो क्योंकि हीरोइक 1 स्टार लग चुका है, सो आज के एपिसोड में मैं ट्राई करने वाला हूँ हीरोइक 1 स्टार से 2 स्टार लगाने का। अभी मैच स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी मेरे फ्रेंडली लिस्ट में आना चाहते हो, ये रही मेरी यूआईडी। आप लोग इन गेम जाके सर्च करके जो है मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो एंड यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपका इन गेम नेम क्या है वो बता सकते हो, ताकि मैं इजीली आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकूं। ओके, सो अभी और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हमारे मैच नंबर 1 के तरफ। चलो भाई देखो अपने क्या करता। सो ये है हमारा आज का पहला मैच एंड ये बना था बरमूडा मैप के अंदर, जहाँ पे मैं ऑलरेडी टॉप 8 के अंदर आ चुका हूँ, जहाँ पे मैंने 6 किल्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अभी ये सामने के साइड पे कवर है तो यहीं पे हम रुकेंगे। बाकी यहाँ पे एक बंदा है, सो इसको पहले मारने का ट्राई करते हैं। सो ये घर के अंदर तो था बट बाहर भाग चुका है। ओके, बंदा सामने ही है, एक गोली कनेक्ट हुआ, पूरा बॉडी भर देते इसके ऊपर बाइजन का एंड बंदा नॉक। सो इसको जल्दी से अभी कंफर्म लेते हैं, बंदे के पास इंजेक्शन है तो वो भी मिल जाएगा एंड इसी के साथ मेरा 7th किल भी कंफर्म हो चुका है। साथ ही में मैं ऑलरेडी यहाँ पे टॉप 6 में भी आ चुका हूँ। तो अभी ये आखिर के बंदों को मार के बुइया लेने का ट्राई करेंगे। बाकी इसके पास अच्छा खासा लूट है तो यहाँ से सुपर मेडी उठा लेते हैं काफी सारा। One shift later. Okay, तो इस घर के अंदर मैं जो है जोन श्रिंक करने का वेट कर रहा था, बट बाहर से एक बंदा फायर कर रहा है, वो रहा सामने बंदा, काफी डैमेज एंड हेडशॉट के साथ खत्म। बट बंदा मरते मरते क्या डैमेज देके गया है, कुछ ही एचपी का बचा हूँ मैं, बट मेरे पास इंजेक्शन था तो मैं इजिली बच सकता था। अभी एक और बंदा यहाँ पे सामने आ चुका है एंड ये भी नॉक एंड इसी के साथ इसको भी कंफर्म कर लेते हैं एंड इसी के साथ मेरा 9th किल भी कंफर्म हो चुका है। साथ ही में अभी मेरा ये 1v1 का सिचुएशन है। सो अभी अगर मैं इस बंदे को मार देता हूँ तो यहाँ पे मेरा 10 किल के साथ बुइया हो सकता है। अभी बंदा सामने के साइड पे ही होगा तो लॉन्च पैड यूज करके चलते हैं एंड वेयर हाउस के ऊपर मैं शायद ही लैंड कर पाऊंगा एंड हाँ यहाँ पे मैं अंदर गिर चुका हूँ। सो काफी टट्टी लैंडिंग तो की है बट बंदा बाहर के साइड पे ही होगा तो इसको मार के जल्दी से मैच खत्म करते हैं एंड वो रहा सामने के साइड पे ही बंदा डैमेज। ओके, बहुत डैमेज दिया है। सो पोर्टल गो है, उसको यूज करके रश करते हैं बंदे के ऊपर एंड यहीं पे सामने बंदा डैमेज एंड खत्म। सो इसी के साथ हमारा पहला मैच यहाँ पे हो चुका है बुइया, जहाँ पे मैंने टोटली कर लिया है 10 किल, जहाँ पे मुझे मिल चुका है टोटली 48 का प्लस। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट गेम के तरफ। ओके, सो बात करें अगर इस मैच की तो यहाँ पे मेरे टोटली 6 किल्स हो चुके हैं एंड आखिर के 3 ही बंदे बचे हैं। अभी पोचिनॉक पे लास्ट जोन है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि घरों के अंदर अंदर बंदे छुपे हुए हैं, लेकिन एक तरीके से ये सही भी है, वरना लास्ट जोन में तो मॉन्स्टर ट्रक से ही बंदे घूमते रहते हैं। ओके, सामने के साइड पे 2 बंदों का फाइट चल रहा है। ओके, उनमें से एक बंदा तो मर चुका है एंड दूसरे बंदे को थोड़ा सा डैमेज तो दिया है। अभी ये सामने वाले घर के छत पे चले जाते हैं, यहाँ से पूरा व्यू मिल सकता है। सो एक बंदा तो ये सामने के साइड पे है एंड एक बंदा शायद राइट पे है, क्योंकि थोड़ी देर पहले फायर कर रहा था। बट अभी मेरे पास ग्रेनेड है, सो ग्रेनेड यूज करके यहाँ पे जो है मारने का ट्राई करते हैं। ओके, ग्रेनेड से तो डैमेज नहीं आया, लेकिन बंदे ने मुझे डैमेज कर दिया है यहाँ पे, सो वॉल से प्रोटेक्ट करते हैं। अभी एक और बंदा यहाँ पे पोर्टल तो लगाया है बट वो रश नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे थोड़ी देर तक वेट करता हूँ, अगर इन दोनों बंदों के बीच में फाइट हुआ तो मैं थर्ड पार्टी करने का ट्राई कर सकता हूँ। वैसे भी मेरे पास हाइट है एंड ग्रेनेड भी है तो आराम से मार सकता हूँ एंड ये मॉन्स्टर ट्रक एयर ड्रॉप है, इसको भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वरना ये हाथ में प्रॉब्लम करेगा लास्ट में। अभी ये सामने वाला बंदा भी निकलने वाला है तो यहाँ पे ग्लू मेल्टर मारते हैं। ओके, ये बंदा घर के अंदर जा चुका है एंड ये सामने वाला बंदा भी यहाँ पे आ चुका है, मतलब इन दोनों का फाइट अभी शुरू होने ही वाला है। सो अभी ये सही टाइम है थर्ड पार्टी करने का, जैसे इनका फाइट शुरू होता है मैं आराम से दोनों बंदों को मारने का ट्राई कर सकता हूँ। वैसे जोन भी आ रहा है, अगर ये लोग ज्यादा देर तक अंदर फाइट करेंगे तो मैं वॉल से इनको रोक सकता हूँ। ओके, एक बंदा नॉक एंड मैंने गलती से वॉल लगा लिया तो इसको तो कंफर्म नहीं ले सकता हूँ। सो अभी ये दरवाजे को वॉल से पैक कर देते हैं ताकि ये बंदा जोन में ही मर जाए एंड इसी के साथ ये भी बंदा जोन में एलिमिनेट हो चुका है एंड यहाँ पे आखिर के किल्स तो नहीं मिले, लेकिन 6 किल के साथ ये भी मैच हो चुका है बुइया, जहाँ पे मुझे टोटली प्लस मिल चुका है 48 का। सो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट गेम के तरफ। सो मेरा ये वाला मैच लगा था नेक्स्टेरा मैप के अंदर, जहाँ पे लॉबी काफी हार्ड आई थी, सो मैं यहाँ पे थोड़ा होल्ड करके खेल रहा था, इसलिए यहाँ पे मेरा सिर्फ 5 ही किल है एंड आखिर के अभी सिर्फ 3 ही बंदे हैं, मतलब 2 ही बंदे। ओके, एक बंदा यहाँ पे सामने वॉल के पीछे है एंड एक बंदा ये ऊपर से फायर कर रहा है इसके ऊपर। अभी बंदे को डैमेज तो दिया है थोड़ा सा एंड इसी के साथ बंदा शायद जोन के बाहर ही एलिमिनेट हो गया, लेकिन मुझे किल मिल चुका है। अभी आखिर का ही बंदा बचा है जो कि इस रोबोट के ऊपर ही होगा,
सो यहाँ पे हॉरिजोलाइन ले लेता है, जो कि काम आएगा। अगर वो ऊपर से नॉक कर देता है तो मैं रिवाइव हो सकता हूँ। बाकी वो जैसे ही नीचे आता है इसको मारने का ट्राई करेंगे। एंड ये तो ऊपर ही होगा, यहाँ से तो एम नहीं आने वाला है। एक बार घर के बाहर से चेक कर लेता हूँ, अगर एम आता है तो इसको मारने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जोन आ रहा है उसको तो नीचे आना ही पड़ेगा। एंड वो रहा बंदा, दिख रहा है काफ़ी डैमेज एंड इसी के साथ ख़त्म। एंड हमारा ये मैच भी हो चुका है बुईया, जहाँ पे मैंने टोटली कर लिया है 7 किल। एंड यहाँ पे मुझे मिल चुका है 44 का प्लस। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट गेम के तरफ। सो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, देन आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतने सारे मैचेस बुईया करता हूँ तो मेरा बुईया स्ट्रीक क्यों नहीं बनता है। उसका सबसे बड़ा रीजन रहता है ऐसे कुछ हरकतें मैं करता हूँ मैच के अंदर, जैसा कि ये वाले मैच में देखो, आखिर के 3 बंदे हैं मुझे छोड़ के। एंड यहाँ पे मैंने 5 किल भी कर लिया है, जहाँ पे मेरा अच्छा खासा लूट हो चुका है। बट मैं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा IQ यूज करने जाता हूँ। एंड मैं सोचता हूँ कि पोर्टल यूज करके इसके ऊपर चढ़ जाऊँ एंड बंदों को आराम से मार सकूंगा, बट मैं यहाँ पे ओपन मार के खड़ा हो जाता हूँ एंड बंदा यहाँ पे मुझे आराम से हेड पे एम लेके मार देता है। सो ऐसे ही कुछ कांड मैं जो है हमेशा करता रहता हूँ, जिस वजह से मेरा स्ट्रीक कभी नहीं बन पाता है। बाकी यहाँ पे आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मेरा जो है हीरोइक 2 स्टार लगने ही वाला है, बस अभी 32 का प्लस ही बाकी है। सो यहाँ पे एक और मैच चालू करते हैं एंड देखते हैं इस मैच के अंदर अगर मैं बुईया ले पाता हूँ एंड यहाँ पे हीरोइक 2 स्टार कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं। ओके, सो बात करें अगर इस मैच की, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सेफ खेल रहा था, क्योंकि अगर यहाँ पे पूरा प्लस मिल जाता है बुईया का, देन यहाँ पे मेरा हीरोइक 2 स्टार लगने वाला था। सो यहाँ पे मैं टॉप 7 के अंदर आ चुका हूँ एंड मेरे 4 किल कंप्लीट हो चुके हैं। एंड गन कॉम्बिनेशन में अपना वही यूज कर रहा हूँ, M14 एंड बाइजन। ओके, यहाँ पे ऊपर एक बंदा है एंड वो कूद चुका है यहाँ पे, सो डैमेज एंड बंदा खत्म। अभी सामने के साइड से भी एक बंदा डैमेज कर रहा है। सो अंदर से मैं यहाँ पे जोन में जा सकता हूँ, क्योंकि जोन अभी गंदा डैमेज करेगा। बाकी इसके पास सुपर मेडी है तो ये उठा लेते हैं। सो अभी यहाँ पे अंदर से जोन के तरफ चलते हैं एंड यहाँ पे भाई किसने यहाँ पे लैंडमाइन का पूरा ट्रैप बिछा के रखा था। 2 लैंडमाइन तो फूट गए एंड और भी लैंडमाइन थे जिसके साइड से मैं निकल गया, वरना मैं यहीं पे मरने वाला था। बाकी यहाँ पे किसी तरह बचते बचाते मैं आ तो चुका हूँ एंड अभी आखिर के 4 ही बंदे बाकी है। सो इनको फाइट करने देते हैं, जैसे ही आखिर के 1-2 बंदे बचेंगे तो मैं फाइट करके जो है किल उठाने का ट्राई करूंगा। Moments later. बाकी बाहर के साइड पे बहुत ज्यादा गोलीबारी हो रही है, तो उधर चलते हैं एंड किल उठाने का थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। ओके, एक बंदा मर चुका है, अभी आखिर के 3 ही बंदे है। सो यहाँ पे एक मिनी यूएवी यूज करते हैं एंड सीधा इनके ऊपर रश करने का ट्राई करेंगे, पहले बंदे स्पॉट हो जाए। एक बंदा तो यहाँ पे लैम्बोर्गिनी लेके घूम रहा है, जो कि दिमाग खराब करेगा, अगर लैम्बो से इसने एक बार टक्कर मार दिया तो 3rd पार्टी हो जाएगा। सो राइट से थोड़ा कवर टू कवर मूव करते हैं ताकि ये लैम्बो ना मार पाए। अभी लैम्बो वाला बंदा वो रहा, सामने से ही आ रहा है, तो इसका गाड़ी फोड़ने का ट्राई कर लेते हैं। भाई यहाँ पे तुक्के में क्या हेड लग गया बंदे को एंड नॉक पे भी हेड के साथ ये बंदा भी हो चुका है खत्म। अभी इसके पास हॉरिजोलाइन था तो मैं यहाँ पे इसका हॉरिजोलाइन लूट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे 1v1 का सिचुएशन हो चुका है एंड मेरे पास बहुत सारे लैंडमाइन है, सो आखिर वाले इस बंदे को लैंडमाइन के ट्रैप पे बिछा के मारने का ट्राई करते हैं। ओके, मैंने दोनों साइड के दरवाजे पे ज्यादा करके लैंडमाइन तो लगा दिया है, अभी अगर ये बंदा अंदर रश करता है तो ये लैंडमाइन में फूट के जरूर से मरेगा। बाकी जोन आने से पहले ये रश कर दे बस, वरना मुझे बाहर जाना पड़ेगा यहाँ से। ओके, अभी ये जोन श्रिंक होने वाला है एंड बंदा लगता नहीं रश करने वाला है, सो यहाँ पे नेड करके पहले इसको डैमेज करने का ट्राई करते हैं। एंड वो भी नेड कर रहा है, इसी के साथ बंदा डैमेज खत्म। मैंने नेड कैंसिल कर दिया बट वो नेड कुक करता ही रहेगा एंड इसी के साथ ये बंदा भी हो चुका है खत्म। एंड हमारा निकल चुका है बुईया एंड इसी के साथ यहाँ पे मेरा हीरोइक 1 स्टार से लग चुका है 2 स्टार एंड यहाँ पे मुझे टोटली प्लस मिल चुका है 69 का। सो ये नंबर तो थोड़ा कैजुअल है, लेकिन यहाँ पे मैंने टोटली 7 किल किया था एंड डेली बोनस के वजह से यहाँ पे मुझे और एक्स्ट्रा प्लस मिला है। सो अभी चेक कर लेते हैं क्या मैं विन के लीडर बोर्ड में आ पाया हूँ कि नहीं, क्योंकि रीजियन विन से मैं जो है 3 विन पीछे था एंड यहाँ पे मैंने जो है 3 विन तो ले लिया है। सो यहाँ पे रीजियन लीडर बोर्ड चेक कर लेते हैं। किल्स पे तो मैं काफी पीछे रहूंगा, बिकॉज यहाँ पे लास्ट कुछ मैचेस में थोड़ा सा सेफ खेल रहा था। एंड हाँ, यहाँ पे किल्स में तो मैं पीछे हूँ, लेकिन रीजियन में विंस चेक कर लेते हैं। ओके, फ्रेंड वाला तो ग्लिच हो चुका है, बट रीजियन में यहाँ पे मैं 12 विन के साथ जो है 94 नंबर पे आ चुका हूँ। सो पहली बार ये हो रहा है कि मैं विंस में रीजियन में हूँ। बाकी BR रैंक में मैं जो है मेजोरिटी जो है बाइजन एंड M14 लेके ही खेल रहा हूँ एंड वो ढूंढने में काफी टाइम चला जाता है। एंड काफी टाइम ऐसा भी होता है कि मेरे पास कार 3 या फिर ग्रोजा X ऐसे गन्स रहते हैं,
लेकिन क्योंकि मुझे M14 का स्कोर प्लस करना है तो मुझे वो गन छोड़ के बिना चिप वाला M14 लेना पड़ता है, एंड वो अपग्रेड चिप खरीदते खरीदते जो है लास्ट जोन आ जाता है एंड बिना चिप के फाइट नहीं कर पाता हूँ तो वहाँ पे भी मैं मर जाता हूँ। सो यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके वजह से मेरा बुया नहीं निकल पाता है, एंड उसके ऊपर से तो दिमित्री सोनिया ट्रॉगन वालों ने तो दिमाग खराब करके ही रखा है। तो अभी ज्यादा कंप्लेन नहीं करते हैं, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही रैंक पुशिंग जारी रखने का। एंड अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आपका अभी के टाइम पे BR रैंक में KD कितना है वो लिख देना। बाकी कल मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ एपिसोड 3 के साथ, एंड अगर आप लोग ये वीडियो 1-2 दिन के बाद देख रहे हो तो एपिसोड 3 आ गया होगा, राइट साइड में आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा। एंड अगर आप लोग वीडियो और भी काफी दिनों के बाद देख रहे हो देन और भी काफी सारे एपिसोड्स आगे होंगे, सो आप लोग लेफ्ट साइड में क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट भी एंजॉय कर सकते हो। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से उन्हीं वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड टाटा।